हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन इज दैट अ चाइल्ड हैज ड्रॉन द इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी ओम्स लॉ एज शोन इन हिज टीचर टोल्ड दैट द सर्किट डायग्राम नीड्स करेक्शन। स्टडी द सर्किट डायग्राम एंड रीड्रॉ इट आफ्टर मेकिंग ऑल करेक्शंस। तो हमारे इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक बच्चे ने ओम्स लॉ को स्टडी करने के लिए एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है। उसके टीचर ने बोला कि ये डायग्राम गलत है, तो हम लोग को इसमें करेक्शन करके इसे रीड्रॉ करना है। चलिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो यहाँ पर सीरीज में है, पर वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फॉल्ट मिल गया। सेकंड फॉल्ट है हमारा एम मीटर में, दैट इज हमारा जो एम मीटर है वो हमेशा सीरीज में लगता है क्योंकि ये करंट को मेजर करता है, इसीलिए इसके पोजीशन गलत है। फिर हम देख सकते हैं अपनी बैटरी को कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर ये नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल दो जुड़े हुए हैं। पर बैटरी का जो कनेक्शन होता है वो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये जो नेगेटिव टर्मिनल के बाद जो पॉजिटिव टर्मिनल आता है वो फिर दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है, ना कि पॉजिटिव टर्मिनल से। तो हमारी जो बैटरी की कनेक्शन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। तो यहाँ हमें अपना थर्ड फॉल्ट मिल गया। फिर हम देख सकते हैं कि हमारा जो करेंट का डायरेक्शन है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गया है, जो कि गलत है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब हम देख सकते हैं कि फिर हमारा इस साइड नेगेटिव टर्मिनल हो गया एंड इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। तो हमारा जो वोल्ट मीटर है उसका यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा एंड यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल आएगा, और यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आएगा वो भी डिफरेंट आएगा, वो होगा एक्स एंड वाई, ना कि सेम दोनों साइड जो कि है वाई। तो इसे हम रीड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा पहला सर्किट है जिसमें हम बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं विथ पोलैरिटी माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन। फिर दूसरी में हम की कनेक्ट कर रहे हैं जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है की। फिर तीसरे में हम एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है आर, और फिर हम इसे सीरीज में एमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसलिए इसकी जो पोलैरिटी होगी वो पॉजिटिव होगी एमीटर की, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और नेगेटिव होगी जो कि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। और क्योंकि ये वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर कर रहा है इसलिए इसे पैरेलल में यहाँ पर कनेक्ट करेंगे हम, और इसकी जो यहाँ पर वोल्टेज होगी वो डिफरेंट होगी, यहाँ पर एक्स होगी अगर तो यहाँ पर वाई होगी, और हमारा जो करेंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, जो कि डायरेक्शन ये होगा। तो ये हमारा करेक्ट डायग्राम हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। होप यू गॉट दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।